28 तारीख रे बिहार विधानसभा रा प्रथम पर्याय निर्वाचन जहाँ को लेकिन वर्तमान सरगरम हो उठी बिहार रो राजनैतिक माहौल आज हूँ जो प्रचार करिबार शेष तारीख व शेष दिन से प्रचार प्रसार विभिन्न राजनैतिक दल अंपटे आम बर्तमान आसिक पहुंची सारी पालीगंज विधानसभा निर्वाचन मंडली में जोठार प्रथम पर्याय निर्वाचन हम और एटाईकर भोटर मान मुड कौन रही क्यों प्रसंग को लेकिन से भोट देवाई जी कौन तर मुदा रही सबू विषय में आलोचना करवा सहित एटाकर स्थानीय भोटर अच्छा स्थानीय बासिंदा अच्छा सहित सीधा सड़क आलोचना करवा भैया इस बार जो चुनाव होंगे 28 को पहले चरण के चुनाव होने वाले मतदान होने वाले हैं आपके सामने क्या मुद्दे होते हैं किस मुद्दे के आधार पर आप लोग जाते हैं वोट देने के लिए विकास का मुद्दा शिक्षा का स्वास्थ्य का इसी मुद्दा पर हम लोग वोट देते हैं हर साल वोट आती है मतलब मतदान होते हैं हर साल चुनाव जब होते हैं जब हर 5 साल में एक बार चुनाव होते हैं विधानसभा के यहाँ पे विभिन्न प्रकार के राजनीतिक पार्टियाँ विभिन्न वादे करते हैं कितना बदलाव आपको दिख रहा है वर्तमान और क्या बदलाव चाहिए और क्या उम्मीद रखते हैं आप अभी का जो सरकार है सारा वादा करके भूल जा रहा है किसान का जो भी मिलना चाहिए मुआवजा या धान का उचित मूल्य नहीं दे पा रहा है शिक्षा बिल्कुल नदारद है स्वास्थ्य है ही नहीं इसी मुद्दा पर अभी सरकार परिवर्तन हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार बिहार में परिवर्तन हो और नया सरकार नया बने हाँ और किस अच्छा अच्छा जी बात करेंगे अगर हम बिहार की बात करें तो 15 साल पहले जो बिहार की तस्वीर थी वर्तमान बिहार की तस्वीर कैसी आपको दिख रही है और क्या होना चाहिए आने वाले समय पर वर्तमान की स्थिति तो ठीके है लेकिन यहाँ बहुत बेरोजगारी है रोजगार नाम का चीज़ नहीं है और तो वर्तमान में शांति व्यवस्था ही सब ठीक ठाक है हम लोग का किसान के उचित मूल्य नहीं मिलता है मूल्य निर्धारित होता है कुछ मिलता है कुछ जैसे कि हम देखिए तो इस बार के चुनाव में जब आप वोट देने जाएंगे तो आपके सामने मुद्दे क्या होंगे किस मुद्दे के आधार पर आप वोट देने के लिए जाएंगे मुद्दे का खाने का सोचते हैं न नौकरी मिलता है न चाकरी मिलता है आई कार्ड बनाने जाओ वोटर आईडी कार्ड बनाने जाओ कल आना 15 दिन के बाद आना 20 दिन काम नहीं चलेगा लगता है 10 जिसको जानकारी नहीं है हम पढ़े लिखे नहीं है मांगना है 5 कहेगा कि 50 रुपया लगेगा रसीद कटाने जाते हैं हम लोग के बाबूजी गुजर गए हम लड़का हैं हमको बुझाता नहीं है कटे डंटा क्या होता है पहले धूर धूर की था हम लोग बीघा जानते हैं कि 20 कट्ठा के 1 बीघा होता है तो रसीद कटाने जाओ तो कहता है कि 20,000 रुपया दोगे तो कटेगा तो हमारा भी 20,000 रुपया कहाँ से लाएंगे तो समस्या आपके सामने है जो समस्या के बारे में बात करेंगे जब देखिए तो यहाँ पे समस्या तो अनेकों हैं और लोगों को तो चाहिए विकास ही चाहिए तो आपके सामने और क्या मुद्दा दिखता है क्योंकि वादे अगर आप देखिए तो विभिन्न राजनीतिक पार्टियाँ अपने मैनिफेस्टो जो घोषणा पत्र भी जारी कर चुके हैं चुनावी घोषणा पत्र वादे किए हैं रोजगार की बातें शिक्षा की बातें किसानों की बातें एक किसान बहुल मतलब इलाका है तो किस तरह से आप देखते हैं वर्तमान और क्या चाहते हैं देखिए सगरो जो अभी के सरकार है लूट खकोट वाला सरकार है कभी कहीं कोई जाइए बिना पैसा लिए हुए कोई काम नहीं कर रहा है अभी कहते हैं कि हॉस्पिटल में सब व्यवस्था हॉस्पिटल में वो 1 रुपया का गोली दे देता है बाकी काम खत्म डॉक्टर समय पर नहीं रहता है यही सब हमने के मुद्दा है कि जो सरकार सही टाइम से कोई काम करे जैसे सिंचाई के हो चाहे खाद सामग्री हो ये सब हम लोग उसी मुद्दे से लेके कोई काम करेंगे शिक्षा हो स्कूल हो यही सब तो अभी तो कुछ है नहीं तो हम लोग क्या कहें मुद्दा जो देखिए विभिन्न प्रसंग आशा भरोसा रखते आहरी किसी युवक वोटर अच्छा आप युवा हैं इस बार वोट देने के लिए जाएंगे क्या लगता है आपके सामने क्या मुद्दे आपके सामने हैं नज़र के सामने आपके हैं आप वोट देने के लिए जाएंगे सर वोट देने के लिए जाएंगे मतलब अभी जो फिलहाल मतलब अथी चल रहा है ये सब के लेकर के हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सरकार को बदलाव किया जाए और हम लोग नया युवा को थोड़ा मतलब अथी रोजगार मिले हम लोग भी बेरोजगार बैठे हुए हैं कुछ रोजगार मिलेगा तो हम लोग को भी सही रहेगा और आगे में अपना राज्य भी विकास करेगा देश भी विकास करेगा इसे छोड़ करके अपना अपना सरकार बनाना चाहते हैं और किस अच्छा वोटर अच्छा आप अगर इस बार वोट देने के लिए जाएंगे आपका मूड मतलब क्या रहेगा किस तरह से मुद्दा आपके सामने क्या है क्योंकि राजनीतिक पार्टियाँ विभिन्न प्रकार के वादे आप किए हैं तो आपके किसके वादे पर आपको ज़्यादा भरोसा होता है आप क्या चाहते हैं इसके लिए अभी तो कोई भी सरकार ऐसा नहीं है जो मैंने जिसके ऊपर भरोसा हो अब जो विकास करेगा जो मैंने शिक्षा के प्रति मैंने कुछ ध्यान आकृष्ट अधिक करेगा उसी को मैंने हम लोग देंगे वोट
शिक्षा रोजगार और किसान ये जो मुद्दा रोची मूल मुद्दा मुझे प्रसंग रोचे जी। हम अगर बात करें तो आपके समय आप भी जानते होंगे, बताया जा रहा है बिहार में अभी तो शराबबंदी की गई है, शराबबंदी से यहाँ पे बिहार वासियों को खासकर आप लोगों को इससे क्या मिलता है, फायदा मिलता है या नुकसान होता है? इससे तो फायदा है ही है, शांति व्यवस्था तो है, शराबबंदी होने से है, लेकिन यहाँ वहाँ बहुत गलत ढंग से शराब बिकता है। ये आपको क्या लगता है शराबबंदी जो है वो एक अच्छा मुद्दा है यहाँ पे बिहार के लिए, सही है या फिर गलत फैसला लिया गया सरकार? सरकार द्वारा फैसला तो सही लिया गया है, मगर पूर्णतः पालन नहीं किया जा रहा है। सरकार सिर्फ घोषणा कर दी है, शराबबंदी पर उसका कोई ध्यान नहीं है। शराब खुलेआम बाजार में बेचा जाता है और ऊपर के जो नेता कमिश्नर या अफसर जो भी हैं वो पैसा लेकर शराब बेचवाते हैं, सारा जगह शराब खुलेआम बिक रहा है। शराब के शराबबंदी से क्या फ़ायदा हो सकता है? बंदी से तो फायदा है, मगर बंदी हो तब तो, सिर्फ घोषणा करने से थोड़ी कोई फायदा होगा। कोई भी सिर्फ घोषणा किया जा रहा है, धरातल पर उतारा नहीं जा रहा है उसको। धरातल पर जब भी कोई काम उतारा जाएगा तभी ना कोई फायदा होगा, तो कोई धरातल पर कोई काम ही नहीं हो पा रहा है। रास्ते दिख रहे हैं चुनाव के, इस बार जो कि मतदान 28 को होने वाले और कुछ समय बाकी है, और आपके सामने देखा जाए तो और तो एक दिन का वक्त है, आप जाएंगे अपने मत का प्रयोग करेंगे, सत्ता पे लाके बैठाएंगे ऐसे व्यक्ति को बैठाएंगे जो आपके लिए काम करता हो, और क्या उम्मीद रखते हैं उनसे आप? किसके लीलार पर लिखा है कि अगला आएगा तो करेगा? जिसके घर में वोट मांगने जाते हैं तो कहता है कि अगला बार तो वोट दिए तो इका कचरा में रह रहे हैं, भर कमर छाती पानी में, आबरी थोड़ा वोट देंगे तो क्या होगा, और क्या कहें, कहना कम है समझना ज़्यादा। तो प्रसंग भिन्न भिन्न प्रसंग भिन्न प्रसंग रही भिन्न मुद्दा रही आहरी किसी अच्छा एठाकर स्थानीय बासिंदा भोटर अच्छे मुड जाना आप वोट देने के लिए जाएंगे 28 को, क्या रहेगा आपके सामने मुद्दे क्या है, किस उम्मीद से आप वोट देने? रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यही सब मुद्दा रहेगा। कुछ दिन पहले राजनीतिक पार्टियों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र घोषित लोग जारी किए थे, रोजगार की बातें कर रहे हैं, कौन बोले हम 10 लाख देंगे, कौन बोला 19 लाख देंगे, कौन किसानों की बातें कर रहे हैं, कौन शिक्षा की बातें कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बातें कर रहे हैं, भरोसा किस पर ज़्यादा आपको होता है? किसी पर नहीं, सिर्फ अथिये पर है, जो लोग छापते हैं वही रह गया है और कुछ नहीं है, सिर्फ कहने के लिए और लोग कुछ करते नहीं है। उसके अलावा सिर्फ वोट लेने के लिए ये सब वादे होते हैं, उसके बाद कुछ नहीं, कोई जानता के धरातल पर उतारा नहीं जाता है, किसान मर रहा है। कहा जाता है कि बिहार में जब सभा होती है आरोप प्रत्यारोप का खेल होता है, राजनीतिक पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते रहते हैं, जंगल राज की बात भी करते हैं, बिहार में जंगल राज था, वो जंगल राज कैसा था आपको पता है या तो जानते हुए होंगे? जंगल राज उस समय था, ऐसा सही बात है बोला गया है, जंगल राज हत्याओं का दौर चलता था, और आज के समय में वो जंगल राज था, जल्लाद राज आ गया है। इसमें जितना भी जो नेटवर्किंग चल रहा है, बम ब्लास्ट जहाँ तहाँ हुआ है, सारा का तार बिहार से जुड़ा हुआ है। जंगल राज खत्म करना है, जल्लाद राज खत्म करना है, अब नया सरकार हम लोग को चुनना है जो दोनों में से तीसरा कोई आए, इस दोनों सरकार से हम लोग पसंद नहीं कर पा रहे हैं। चाचा आप तो वरिष्ठ इंसान, आप तो देखे होंगे बहुत सा दौर, आपने देखा होगा बिहार पे शासन भी आप देखे होंगे, जंगल राज की जो बातें कर रहे थे भाई साहब जो बोल रहे थे, तो आप कैसे देखे थे जंगल राज जब बिहार में शुरू हुई थी, जो राजनीतिक पार्टियां भी बोल रहे हैं? जंगल राज तो पहले था, अभी तो उसके मामले में पूछिए तो कुछ शांति व्यवस्था बहुत हुआ है, लेकिन इनके राज में खाली वादा होता है, बेरोजगारी, किसान को ये दे देंगे वो दे देंगे वो दे देंगे, मिलता उलता कुछ नहीं है, और बेरोजगारी तो इतना है कि सब लड़कन बैठ के पढ़ लिख करके घर बेकार बैठा हुआ है, न वो खेती करने लायक है न कुछ करने लायक है। हम लोग तो थे कि कुछ खेतियों करके कुछ जीवापार्जन कर लेते थे, लेकिन आज के जो समस्या है बहुत जटिल समस्या है। किसानों की बात, क्योंकि ये कृषि प्रधान इलाका है, यहाँ पे लोग किसान जो है कृषि ऊपर बहुत अधिक भरोसा करते, चाषी अच्छा चाषी परिवार अच्छा, जेहेतु समस्त प्रसंग रही रोजगार, तर उचित मूल्य कि भाव से मैंने बिक्री करेंगे ता ही सब बड़ा प्रसंग बर्तमान रही, आहरी किसी अच्छा स्थानीय बासिंदा आम प्रतिक्रिया ना से कौन कौन भैया इस बार आप वोट देने के लिए जाएंगे, आपके सामने क्या रहेंगे मुद्दे सामने आपके हैं? हमारे सामने तो मुद्दा शिक्षा होना चाहिए, विकास होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, और क्या मेन मुद्दा तो यही होना चाहिए। पहले तो फिर है ना, और भी चाहिए शिक्षा स्वास्थ्य? शिक्षा तो बिल्कुल चौपट है, सरकारी स्कूल की स्थिति वही है। स्वास्थ्य को कैसे देखते हैं बिहार में? स्वास्थ्य में तो देखे ना, पालीगंज है तो कभी डॉक्टर नहीं रहते, डॉक्टर रहते हैं तो जाइए तो दवाई नहीं मिल पाता है,
तो वादे जो करते हैं यहाँ पे, शिक्षा के वादे करते हैं, रोजगार के वादे करते हैं, आपको किसके वादे पे ज़्यादा भरोसा है? हमारे मुखिया जी हैं रविश कुमार। नहीं, वादे अगर देखेंगे तो विभिन्न प्रकार राजनीतिक दल अच्छा जो मैंने प्रसंग उठुंच आठ स्थानीय बासिंदा तुम्हें प्रतिक्रिया ना। भैया जी, जब आप चुनाव में वोट देने के लिए जाएंगे, 28 को मतदान होगी, आप अपने मत का प्रयोग करेंगे, सत्ता पे लाकर बैठाएंगे ऐसे व्यक्ति को जो आपके लिए काम करता हो, कैसा चाहिए आपको, क्या आपका मूड क्या कहता है उसको लेकर? हमारे तो देखने में अच्छा, हम लोग तो रवीश कुमार को ही वोट करें, सपोर्ट करेंगे, जो कि हमारे बीच के रहने वाले हैं और सब दिन रहे हैं, इसलिए हम लोग रवीश कुमार को ही वोट करेंगे। तुड़ी छाप 10 नंबर पर। अच्छा, तो पालीगंज कथा जब आप देखिए तो एठिकार जो भोटर रही मूड टिके भिन्न प्रकार रही कहीं जेहेतु एटी आरजेडी विधायक मध्य रही है और से वर्तमान जेडीयू रे जेडीयू टिकेट पाई निर्वाचन लड़ुंट महामेंट विरोधी महामेंट सहित वर्तमान जो कम्युनिस्ट पार्टी जो लिडर अच्छा विधायक प्रार्थी से निर्वाचन लड़ुंट अंपटे जेडीयू पक्ष एनडीए पक्ष त्रिकोणीय लड़ाई निर्वाचन युद्ध मध्य हम गोटे पटे विपक्षी महामेंट आरजेडी प्रार्थी रही गोटे पटे एनडीए प्रार्थी जेडीयू प्रार्थी रही अंपटे जो देखिए जो लोक जनशक्ता पार्टी रही राम विलास पासवान जो दल रही दल प्रार्थी त्रिकोणीय लड़ाई एथर हाँपाई जाऊँच एटाकर वरिष्ठ सांबादिक आम सहित उपस्थित सांबादिक स्थानीय सांबादिक पत्रकार आम पचारि बुझा जी। आप अगर देखेंगे तो आप पूरा आपका नाम बताइए और किस तरह से आप देखते हैं इस माहौल के? हमारा नाम तो हनुमतेश्वर दयाल है, मैं नवभारत टाइम्स से यहाँ देखता हूँ और यहाँ की स्थिति बिल्कुल क्लियर है कि त्रिकोणात्मक यहाँ लड़ाई है और माना जाए तो यहाँ स्थानीय स्तर पर लोग जाति स्तर पर वोटिंग करते हैं, यहाँ मुद्दा गौण हो जाता है, चाहे किसी भी पार्टी का घोषणा पत्र हो सारा गौण हो जाता है, बस यहाँ लोग स्थानीय नज़दीकी देखते हैं, पहचानते हैं कौन हमारा नज़दीकी होगा, कौन आगे भविष्य में हमारा मदद करेगा और उसी आधार पर यहाँ के लोग वोटिंग करते हैं। और वर्तमान स्थिति यही है कि यहाँ NDA महागठबंधन और लोजपा इन तीनों में टकराव है और बाकी तो समय आने के बाद ही वोटिंग के बाद ही पता चल पाएगा क्या स्थिति है। आपके यहाँ पे स्थानीय मुद्दे, क्योंकि आप पत्रकार, आप जमीनी स्तर पर पत्रकारिता करते हैं, आप तो जानते हैं जमीनी लोगों को जानते हैं, राजनेताओं को जानते हैं, समस्या स्थानीय समस्या क्या होती है, किस तरह से विकास पहले था अभी का विकास कितना परिवर्तन आपको दिख रहा है आप जानते होंगे? परिवर्तन तो हुआ है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। ये सच्चाई है कि 15 वर्ष पूर्व यहाँ जंगल राज था और जंगल राज कहने का अर्थ यह था कि उस समय शाम के बाद भी निकलना लोग नहीं पसंद करता था, डरता था, एक भय का माहौल था और आज के समय में वह भय तो लगभग जरूर समाप्त हो चुका है। हाँ, नीतीश जी के शासन में कुछ नहीं तो एक दो चीज़ जरूर सुधरी है, जैसे सड़क सुधरी है, बिजली सुधरी है, लेकिन आज के डेट में सबसे ज़्यादा यहाँ समस्या बढ़ गई है कि शिक्षा खत्म हो गई है, शिक्षा नाम की चीज़ नहीं है, रोजगार खत्म हो गए हैं, आपको स्वास्थ्य भी लगभग खत्म हो गए हैं, हॉस्पिटल में जाइए तो डॉक्टर नहीं मिलेंगे, मतलब दूसरा अफसरशाही बढ़ गया है। आज के समय में कहीं भी बिना घूस का कोई काम नहीं होता है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है अपना, तो ये सब भी समस्याएं अभी वर्तमान में हैं, लेकिन पूर्व की अपेक्षा कुछ सुधार हुआ है। तो इस बार जो जनता के मूड है, अब तो देखे होंगे, अब तो जाते होंगे ग्राउंड पे, जनता के मूड आप कैसे दिख रहे हैं इस बार? जनता बदलाव के मूड में है, जनता बदलाव के मूड में है, लेकिन बोले तो वही सबसे बड़ा यहाँ कारण बनता है, फैक्टर बनता है जाति। तो जीवन भाव में आलोचना में करूँ पालीगंज वरिष्ठ सांबादिक स्थानीय सांबादिक स्थानीय बासिंदा थे तो प्रसंग रही एथर से मैंने किसी परिवर्तन चाहते जेहेतु यही निर्वाचन मंडल में जातीय समीकरण सब बड़ फैक्टर रही है जो लोग जातीय आधार में भोट देते जो परिवर्तन कथा से कहते आमको शिक्षा दरकार स्वास्थ्य दरकार रोजगार दरकार चाषी विकास दरकार तो विकास ही सब बड़ फंडा सब बड़ फैक्टर एथर रही है निर्वाचन में रोज पालीगंज कैमरा पर्सन सुंदर मंडल इमरान खान अर्गस न्यूज़।